सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और जागो इंडिया में वक्त है अब फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए इंडिया टीवी की मुहिम। साथ ही आपको बताएंगे आज प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश जाकर देश को देंगे कौन सी अनूठी सौगात। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं नॉनस्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें। हाथरस केस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई। एसपी विक्रांत वीर, सीओ रामशब्द के अलावा डीएसपी और इंस्पेक्टर समेत कुल 5 पुलिस वाले सस्पेंड। हाथरस के 5 पुलिस वालों पर केस में कोताही बरतने का आरोप। शामली के एसपी विनीत जायसवाल बने हाथरस के नए एसपी। हाथरस में पुलिस पीड़ित परिवार और आरोपी पक्ष का होगा पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट। अलग अलग बयान आने के बाद एसआईटी ने किया फैसला। 5 पुलिस वालों के निलंबन पर प्रियंका गांधी का योगी आदित्यनाथ को ट्वीट। लिखा, कुछ मोहरों को सस्पेंड करने से क्या फायदा। पूछा, किसके आदेश पर पीड़ित और उसके परिवार को दिया गया भीषण कष्ट। लगातार दूसरे दिन हाथरस की गैंगरेप पीड़िता का गांव सील। गांव के बाहर लगाई गई बैरिकेडिंग, पुलिस ने मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया है। हाथरस के एएसपी प्रकाश कुमार ने कहा, एसआईटी जांच पूरी होने तक गांव में जाने पर जारी रहेगा प्रतिबंध। एंट्री पर बैन को लेकर एसडीएम ने भी दी सफाई। कहा, एसआईटी जांच खत्म होने के बाद सभी को मिलेगी एंट्री। इंडिया टीवी की मुहिम से डरी हाथरस की पुलिस। इंडिया टीवी की टीम को गांव में जाने से रोका। हाथरस पुलिस ने इंडिया टीवी की रिपोर्टर से की धक्का मुक्की। शर्ट फटी, कैमरामैन को अपने साथ ले गई पुलिस। हाथरस की बेटी के गांव में इंडिया टीवी की टीम। पीड़ित के भाई ने मैसेज भेजकर खुद बुलाया। गैंगरेप पीड़िता के चचेरे भाई का बड़ा आरोप। कहा, पुलिस वालों ने घर वालों का फोन छीन लिया, घर से नहीं निकलने दे रहे बाहर। पीड़िता के भाई ने डीएम पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, डीएम ताऊजी को धमकी दे रहे हैं, ताऊजी को छाती पर लात भी मारी। पुलिस वालों से बचने के लिए खेतों के बीच छिपकर आया था चचेरा भाई, पुलिस वालों ने पूरी बात करने से रोका। इंडिया टीवी से हाथरस की पीड़ित की भाभी ने की बातचीत। प्रशासन पर सरेआम धमकी देने का आरोप लगाया। कहा, घर के बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। पीड़िता की भाभी ने हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, डीएम चालबाजी कर रहे हैं और जबरदस्त दबाव डाला जा रहा है। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन। सैकड़ों सिविल सोसाइटी मेंबर, महिला छात्र समेत कई राजनीतिक पार्टियां विरोध में शामिल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी पहुंचे जंतर मंतर। यूपी सरकार से दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए कहा, भविष्य में कोई न कर सके ऐसी हिम्मत। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर का ऐलान, हाथरस जाऊंगा, पीड़ित को न्याय न मिलने पर संघर्ष जारी। प्रदर्शन के दौरान नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। धारा 144 तो होने के आरोप में कुछ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। दिल्ली के रायसेना रोड पर यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। महात्मा गांधी के गेटअप में निकाला कैंडल मार्च। जंतर मंतर पर विरोध के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो पर बड़ा असर। जनपद राजीव चौक पटेल चौक के गेट कुछ देर के लिए बंद करने पड़े। दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर गई प्रियंका गांधी, हाथरस पीड़िता के लिए प्रार्थना सभा में हुई शामिल। प्रियंका ने कहा, पीड़ित को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा, हमारी बहन के साथ इंसाफ होना चाहिए। प्रियंका ने कहा, परिवार को न्याय मिलने तक हम नहीं रुकेंगे, अन्याय के खिलाफ उठनी चाहिए देश की एक एक आवाज। यूपी सरकार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा, सच छिपाने के लिए दरिंदगी पर उतरा है यूपी प्रशासन। पीड़ित के गांव में टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन के साथ धक्का मुक्की। नीचे गिरे डेरेक ओब्रायन। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पीपी मीणा ने की धक्का मुक्की। टीएमसी सांसद काकोली घोष के साथ पुलिस की बहस। धरने पर बैठे डेरेक ओब्रायन और काकोली घोष। कहा, जब तक परिवार से नहीं मिलेंगे तब तक जारी रहेगा धरना। काकोली घोष ने पीपी मीणा पर बदसलूकी का इल्जाम भी लगाया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की पीड़ित के गांव जाने की कोशिश। आप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। हाथरस में आरोपियों के समर्थन में गांव वालों की मीटिंग की तस्वीर सामने आई। शांतिपूर्ण तरीके से इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात करते नजर आए लोग। गांव में सवर्ण समाज के लोगों ने बेकसूरों को फंसाने का आरोप लगाया। सीबीआई जांच का किया समर्थन। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लखनऊ में कांग्रेस की गांधीगिरी। पुलिस वालों को भेंट किए फूल। हाथरस गैंगरेप के खिलाफ लखनऊ में समाजवादी पार्टी का भी प्रदर्शन। पुलिस का लाठीचार्ज। हाथरस कांड को लेकर मुंबई में सड़क पर उतरी शिवसेना। काले झंडे के साथ हुई नारेबाजी। यूपी में गुंडा राज का आरोप। शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल से पुलिस की धक्का मुक्की पर उठाए सवाल। देश के लोकतंत्र से गैंगरेप का करार दिया। एनसीपी चीफ शरद पवार ने यूपी सरकार की आलोचना की। कहा, यूपी सरकार जनता के मूलभूत अधिकारों पर विश्वास नहीं करती। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए ममता बनर्जी भी सड़कों पर उतरी। आज कोलकाता में एक प्रोटेस्ट मार्च की करेंगी अगुवाई। कोलकाता में सड़क पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। राहुल गांधी और प्रियंका के साथ हुई बदसलूकी का विरोध किया। हरियाणा के कैथल में हाथरस कांड और कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा, मरने के बाद पीड़ित को झूठा साबित करने में तुली सरकार। बीजेपी नेता उमा भारती ने योगी आदित्यनाथ से और मीडिया और राजनीतिक दलों को पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत देने के लिए कहा। कहा, रोग से बीजेपी की छवि पर पड़ा असर। कोरोना के कारण अभी ऋषिकेश एम्स में भर्ती है उमा भारती। कहा, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पीड़ित परिवार से करूंगी मुलाकात।
हाथरस मुद्दे पर आज लखनऊ जाकर योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले। अठावले की मांग, चारों दोषियों को मिले फांसी की सजा। हाथरस में हैवानियत पर यूपी के सीएम योगी का पहला रिएक्शन, कहा दोषियों का होगा नाश, ऐसी सजा मिलेगी जो भविष्य में उदाहरण बनेगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाथरस में मीडिया के लिए इमरजेंसी से किया इनकार, कहा एसआईटी जांच में सामने आएगा सच। हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार के जयपुर स्थित पुश्तैनी घर के बाहर प्रदर्शन, धमकी वाले वीडियो से गुस्साए लोगों ने घर के बाहर फेंका कचरा। राजस्थान के सिरोही रेप के मामले में आरोपी गिरफ्तार, 25 सितंबर को रेप के बाद पीड़िता की हुई थी हत्या। सिरोही रेप मामले में गिरफ्तार शख्स ने अपना जुर्म कबूला, पूछताछ में राजस्थान पुलिस के सामने आरोपी का कबूलनामा। पीएम मोदी आज करेंगे मनाली से लेह को जोड़ने वाली अटल टनल का उद्घाटन, 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी टनल को खोलने के लिए मोदी पहुंचेंगे रोहतांग। 9 किलोमीटर लंबी टनल ले से मनाली के बीच 46 किलोमीटर के सफर का करेगी डिस्टेंस कम, सर्दियों में भी हो सकेगी बेरोक टोक आवाजाही। पीएम मोदी के दौरे से पहले अटल टनल देखने रोहतांग पहुंचे रक्षा मंत्री, हिमाचल से सीएम जयराम ठाकुर भी थे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, समिट को वैज्ञानिकों का सच्चा संगम बताया। वैभव समिट में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैज्ञानिकों से समर्थन मांगा। गांधी जयंती पर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, गांधी का नाम लेकर गांधी के सिद्धांतों को खत्म करने का लगाया आरोप। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा ने भी मनाई गांधी जयंती, इमारत पर उभरी गांधी जी की तस्वीर। चिराग पासवान ने आज बुलाई एलजेपी की बैठक, एनडीए के साथ या अलग, चुनाव लड़ने पर होगा फैसला। एनडीए में अभी तक नहीं सुलझा, एलजेपी के साथ सीट बंटवारे का पेंच, अमित शाह से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार चुनाव प्रभारी फडणवीस। एलजेपी को 42 सीट देने को तैयार नहीं है बीजेपी, अगर एलजेपी 25 सीट पर नहीं मानी तो आपस में बराबर सीट बांटेंगे बीजेपी और जेडीयू। आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा बिहार को नीतीश और आरजेडी पर भरोसा नहीं, जनता को तीसरा विकल्प देना हमारा मकसद है। एमपी के उपचुनाव में हनुमान जी की एंट्री, कमलनाथ ने खुद को बताया हनुमान भक्त, कहा हनुमान भक्त की वजह से फिर मिलेगी सत्ता। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए बीएसपी के 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, कांग्रेस छोड़ने वाले महेंद्र बौद्ध को भी मिला बीएसपी से टिकट। पंजाब और हरियाणा में राहुल की ट्रैक्टर रैली के कार्यक्रम में बदलाव, अब 4 से 6 अक्टूबर तक रैली निकालेंगे राहुल। अमृतसर में किसानों के रेल रोको आंदोलन का आज 10वां दिन, शहर में जगह जगह जारी है विरोध प्रदर्शन, 5 अक्टूबर तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, किसानों के लिए बने तीनों नए कानून किसान हित में। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ममता पर हमला, कहा राज्य के सत्ता के गलियारों को रखना होगा सैनिटाइज। पणजी के होटल में कांग्रेस नेताओं का हंगामा, महादाई नदी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर से मुलाकात की मांग, पुलिस ने हिरासत में लिया। भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार हुआ, एक दिन में 1,066 लोगों की जान गई। एक दिन में देश में कोरोना के करीब 80,000 नए मामले, देश का कोरोना ग्राफ 64,71,000 के पार। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हुए कोरोना पॉजिटिव, शुरुआती लक्षण के बाद कराया था टेस्ट। दिल्ली में 24 घंटे में 3,290 नए कोरोना के मामले, 37 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 15,591 लोग इन्फेक्टेड मिले, 424 लोगों की जान गई। मुंबई में 24 घंटे में 2,440 नए कोरोना के मामले, 42 मरीजों की गई जान। यूपी में कोरोना के केस 4 लाख के पार, 24 घंटे में 3,946 लोग संक्रमित मिले, 54 लोगों की मौत हुई। बिहार में कोरोना के 1,439 नए मामले, एक्टिव केसेस 14,000 के पार। कर्नाटक में 8,793 नए कोरोना केस, 125 लोगों की जान गई। राज्य में अब तक 6,20,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 9,258 लोग संक्रमित, राज्य में कोरोना के 77,482 एक्टिव मामले। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना से करीब 6,500 संक्रमित लोग मिले, 31 की जान गई। पश्चिम बंगाल में आज कोरोना से 3,310 लोग संक्रमित, 53 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पत्नी मेलानिया कोरोना की चपेट में आए, ट्रंप को ले जाया गया वॉल्टर रीड अस्पताल, अगले कुछ दिन अस्पताल में रहेंगे। ट्रंप को थकान और बीमारी के हल्के लक्षण, ट्रंप को दी गई एक्सपेरिमेंटल दवा रेजिनेरॉन, मेलानिया को सिर दर्द और हल्की खांसी की समस्या। कोरोना के बाद ट्रंप ने जारी किया वीडियो, कहा मैं पूरी तरह से ठीक हूं, कोई समस्या नहीं है, इसलिए अस्पताल में बस कुछ दिन एहतियातन भर्ती हूं। ट्रंप से उनकी सलाहकार होप हिक्स को हुआ कोरोना, हिक्स ने इस हफ्ते ट्रंप के साथ कई दौरे किए थे। कोरोना के बाद ट्रंप के चुनाव प्रचार को लेकर सस्पेंस, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ 1 महीने का वक्त बाकी है। ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दुनिया के शेयर मार्केट में गिरावट, कच्चा तेल भी जून के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन का कोरोना टेस्ट आया नेगेटिव, कोरोना रिपोर्ट आने के बाद बाइडेन मिशिगन के लिए रवाना हुए। कोरोना का नेताओं पर खौफ, ईयू बैठक के दौरान इटली के पीएम को देखे एक कदम पीछे हटी जर्मनी की चांसलर मार्केल, नमस्ते से किया अभिवादन।
आर्मेनिया सीज फायर के लिए बातचीत को तैयार। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने आर्मेनिया के टैंक और टेंट पर गोले बरसाने का वीडियो जारी किया। कैलिफोर्निया में आग के बाद सैन फ्रांसिस्को में अलर्ट। आग से इस साल 40 लाख एकड़ जंगल जलने का अंदेशा। अब तक 31 लोगों की मौत। जम्मू के आरएसपुरा में शहीद शुभम शर्मा को दी गई आखिरी विदाई। गाँव वालों ने देशभक्ति के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। लड़कियों के लिए 100 बेड वाले हॉस्पिटल का किया शिलान्यास। अनुराग कश्यप का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाना चाहती हैं पायल घोष। वर्सुवा पुलिस थाने पहुंच कर दी एप्लीकेशन। मुंबई में सुसाइड के इरादे से इमारत की छत पर चढ़ी लड़की को पुलिस ने बचाया। घरेलू विवाद से परेशान होकर सुसाइड करना चाहती थी लड़की। बिहार के मुजफ्फरपुर में संदिग्ध हालत में मिले दो लड़कियों के शव। परिवार ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की शिकायत। पानी से भरे गड्ढे में मिला शव। राजस्थान के सवाईमाधोपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा। बीजेपी और कांग्रेस की महिला ने तामिल घर चला रहे थे रैकेट। बीजेपी नेता गिरफ्तार। हैदराबाद के बोरबंडा इलाके में कल रात 9:45 आया भूकंप। 1.4 तीव्रता के भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। करीब 6 महीने बाद सिलीगुड़ी का बंगाल सफारी पार्क आम लोगों के लिए खुला गया। पहले दिन करीब 300 लोग पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। खुद को आर्मी वाला बताकर एटीएम से पैसे निकालने वालों से करता था ठगी। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार तीसरी हार। सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 रन से दी शिकस्त। 165 रन का दिया था टारगेट। फिर आखिरी वक्त तक क्रीज पर रहने के बावजूद टीम को जीत नहीं दिला पाए धोनी। कहा, सही शॉट लगाने में नाकाम रहा। धोनी ने आईपीएल में बनाया एक और रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा 194 मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी बने। सुरेश रैना को छोड़ा पीछे।